हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटी एस जी क्रिएटिव। तो आज हम क्रिसमस डेकोर के लिए क्रिसमस ट्री बनाएंगे वेस्ट बॉटल और क्ले का यूज़ करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने यहाँ पर जो कैचअप की बॉटल आती है उसका यूज़ किया है, और ये बॉटल तो सबके पास ही अवेलेबल होती है और आसानी से मिल जाती है। तो इस बॉटल को अच्छे से क्लीन करके और उसके बाद मैं इसके ऊपर सबसे पहले एक कोट जैसो का अप्लाई कर लूँगी, या फिर आप प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी DIY को बनाने के लिए। तो बातों ही बातों में मैंने जैसे अप्लाई कर लिया है अच्छे से, अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप काट कर चिपका दूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ट्री का शेप देना है, क्योंकि मेरी बॉटल नीचे से इतनी चौड़ी नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कार्डबोर्ड ऐसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है ताकि मैं इसको एक प्रॉपर ट्री की शेप दे सकूँ। जैसा कि क्रिसमस ट्री नीचे से ब्रॉड होता है और ऊपर से थोड़ा सा थिन होता है कोन की शेप में। तो अब ये मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है फेविकॉल और मास्किंग टेप की हेल्प से। तो उसके बाद हम लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है। एयर ड्राई क्ले को मिक्स कर लूँगी और अच्छे से एक डो तैयार कर लूँगी। तो डो तैयार होने के बाद मैंने इसको रोलिंग पिन से फ्लैट कर लिया है, और उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं कि एक लीफ ली है और उससे मैंने इसके ऊपर इम्प्रेशन दे दिया है लीफ का। और लीफ का इम्प्रेशन अच्छे से देने के बाद मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे लीव्स तैयार कर लेंगे और उनको एक साइड पे सूखने के लिए, थोड़ा सा सेमी ड्राई होने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद हम इन लीव्स को इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर हम असेंबल करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लीफ का यूज़ किया है इम्प्रेशन देने के लिए, और ये सबसे इजीएस्ट वे है लीव्स बनाने का। सो इसे कोई भी बना सकता है, और इसके लिए कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास मोल्ड अवेलेबल नहीं है वो इस टेक्निक का यूज़ करके लीव्स को बना सकते हैं। तो अब जो मैंने ये लीव्स बनाई थी ये थोड़ी सेमी ड्राई हो गई है, अब हम इन लीव्स को बॉटल के ऊपर फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। इतना हमें ध्यान रखना है कि हम जब ये लीव स्टिक करेंगे तो हमें इसको एक ट्री की शेप देनी है। और जैसा कि आपको पता है कि जो क्रिसमस ट्री होता है एक कोन शेप में होता है, तो हमें इसे उसी शेप में उतनी ही नंबर ऑफ लीव्स चिपकानी है हर लाइन में, ताकि ये एक क्रिसमस ट्री का शेप ले ले। तो मेरे पास एक कुछ क्ले बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से इसके साथ मैं कुछ क्रिसमस ट्री डेकोरेशंस भी बना लूं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टार्स और कुछ बॉल्स बना के एक साइड पे रख ली है, जो कि बाद में हम लीव्स चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी डेकोरेशन बना के चिपका सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसी के साथ मैं सारी लीव्स इस पर चिपका लूँगी और इसको कम्प्लीट करूँगी। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सारी लीव्स ऑलमोस्ट चिपका दिए हैं और ये काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। अब मैं जो भी मैंने डेकोरेशंस बनाई थी वो भी इसके ऊपर चिपका दूंगी। मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है इन सबको चिपकाने के लिए, और आप किसी भी अच्छे एडहेसिव का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर वाली शेप बनाने के लिए मैंने ये एक पेपर ले लिया है और उसको कोन शेप में इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से इस बॉटल के ढक्कन पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद मैंने ये एक फॉइल पेपर की बॉल सी बना ली है, और इस बॉल को भी मैं इसके कोन के ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। फिर उसके बाद मैं इसको क्ले से कवर कर दूंगी, और क्ले से कवर करने के बाद इसके ऊपर मैं कोई भी पिन लेके थोड़ा सा इसको प्रिक कर दूंगी ताकि ये एक अच्छा सा डिज़ाइन ले ले। देखिए मैंने अब इस जो बॉल लगाई है इसको मैंने क्ले से कवर कर दिया है और एक पिन की हेल्प से थोड़ा थोड़ा प्रिक कर दिया है। और इसके बाद जो ये मैंने कोन लगाया था पेपर से फोल्ड करके, उसके ऊपर भी उसको कवर करने के लिए मैं एक क्ले की कॉयल बना के उसके ऊपर लपेट दूंगी और उसको कवर कर दूंगी। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से रस्सी की तरह इसके ऊपर लपेट दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इसको कवर कर दिया है।
और कवर करने के बाद जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेस लग रही थी वहाँ पे मैंने जो एम्बेलिशमेंट्स लगाई थी वो चिपका दी हैं। आपको बताया था कि मैंने क्ले से कुछ एम्बेलिशमेंट्स बनाई हैं, उसमें मैंने स्टार्स भी बनाए थे। मैंने एक बड़ा स्टार बनाया था जो कि मैं बॉटल के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर चिपका दूँगी, और जो बाकी की बची हुई एम्बेलिशमेंट्स हैं वो मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए ये अब ड्राई हो गया है, और ड्राई होने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल गई, मैंने ये इसके बेस बनाने के लिए एक ढक्कन का इस्तेमाल किया है जिसका वीडियो मेरे से मिस हो गया है, तो मैं वो नहीं इसमें नहीं दिखा सकी। तो सिर्फ मैंने एक ढक्कन लिया है और उसको बॉटल के बेस पर फेविकॉल की हेल्प से चिपका दिया है। और अब मैं इस बेस को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी, इससे इस ट्री का लुक और भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस बेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्ले से थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट बना ली है सिलिकॉन मोल्ड की हेल्प लेके। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी इसके ऊपर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इजी रखने के लिए सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये मेरी कुछ एम्बेलिशमेंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से कुछ इस तरह से इस बेस पर चिपका दूंगी और इसको ड्राई होने दूंगी। तो जो मैंने इसके ऊपर बेस पे एम्बेलिशमेंट्स लगाई थी वो अब ड्राई हो गई हैं। अब ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हम बेस को अप्लाई करेंगे। बेस को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। तो अब मैं इस बॉटल को पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी। तो जब ये पूरा अच्छे से पेंट हो जाए और सूख जाए तब मैं इसके ऊपर बाकी के कलर अप्लाई करूँगी। तो इसको बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग गए हैं, और क्योंकि जब हम ऐसे कोई क्ले से चीज़ बनाते हैं तो उसको सूखने में और बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब हम इसको पेंट कर लेंगे। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के कुछ डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे शेडिंग देते हुए इन लीव्स को पेंट कर लूँगी और इनको कंप्लीट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइट, कुछ डार्क शेड्स और वाइट और येलो शेड्स का इस्तेमाल किया है इन लीव्स को पेंट करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं कहीं पर इसको लाइट शेडिंग दे रही हूँ, कहीं पर डार्क शेडिंग दे रही हूँ। इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और पूरा अच्छे से कलर कर दूँगी। जब हम इसको ग्रीन कलर से पूरा अच्छे से कलर कर लेंगे उसके बाद मैंने ड्राई ब्रश की हेल्प से वाइट कलर से थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग दी है स्नो इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा लीव्स पे कलर कंप्लीट हो गया है और हमारा ट्री बनके रेडी हो गया है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब मैं इसकी बाकी की जगहों पे भी कलर कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसके नेक पे कलर करने के लिए सिल्वर कलर का यूज़ किया है। तो जहाँ पे मैंने रोप वाला डिज़ाइन बनाया था मैं उसको सिल्वर कलर से कलर करूँगी, और जो मैंने बॉल वाला डिज़ाइन बनाया था उसको मैं गोल्डन कलर से कवर कर दूँगी, और बेस पर भी मैं गोल्डन कलर ही अप्लाई करूँगी, और स्टार को मैं रेड कलर से कलर कर लूँगी। मैंने जो यहाँ पे ट्री पे भी स्टार्स लगाए थे उसको भी मैं सिल्वर कलर से पेंट कर दूँगी, और बाकी के जो छोटे मोटे एम्बेलिशमेंट्स लगाए थे उसको मैं डिफरेंट कलर अप्लाई करके कलर कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है सारे कलर अप्लाई करने के बाद। तो बस एक लास्ट स्टेप बचा है, उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर लूँगी और उसको ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। मैंने ऐसा स्नो इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए किया है। स्नो इफ़ेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं इसको ड्राई होने दूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर लास्ट में वॉर्निश अप्लाई करूँगी। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए DIYs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो ये रहा इसका फाइनल लुक।